गर्मी शुरू हो चुकी है और यहाँ मुंबई में तो बहुत बहुत ज्यादा गर्मी चालू हो गई है। तो ऐसी गर्मी में सबके घरों में कुछ न कुछ ठंडा बनता है। मोस्टली सबके घरों में आइसक्रीम तो बनती ही है, तो कुछ ठंडा बनाएंगे, आइसक्रीम बनाएंगे, शरबत बनाएंगे। तो मैंने ये आइसक्रीम बनाई है, लेकिन 1 लीटर दूध से मैंने इतनी दानेदार आइसक्रीम बनाई और बहुत टेस्टी बनाई है। आप आइसक्रीम पार्लर से जैसे आइसक्रीम लाते हैं ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा ये अच्छी आइसक्रीम बनी है। और फ्रेंड्स, एक और बात बोलूंगी मैं कि थोड़ी आइसक्रीम मैंने ब्रेड से बनाई है, जो बहुत बहुत दानेदार और बहुत टेस्टी बनी है। पता नहीं चलेगा कि ये ब्रेड से बनाई है। तो चलिए बनाते हैं। मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसमें मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है, और इसे मैं चला के और लो फ्लेम पे इसे छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। बीच बीच में इसे चलाते रहना है। अभी ये बादाम को मैंने आधे घंटे के लिए गलाया था। इसे गलाना तो पूरी रात ही चाहिए था, या 3-4 घंटे गलाना था, लेकिन गलती से आधे घंटे गलाया है गर्म पानी में, तो भी छिलके इजीली निकल रहे हैं। तो इन्हें मैं अच्छे से छील लिया है मैंने, और इनमें मैं अभी डालूंगी काजू। तो मैंने 6-7 काजू, बहुत कंजूसी की है मैंने, मतलब ग्रेवी जैसा अच्छा इसका ये हो जाए, इसलिए मैंने काजू भी लिए हैं। ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, और उतने ही मैंने अखरोट भी लिए हैं, थोड़े ही लिए हैं काजू और अखरोट। और इन्हें अभी हम पीस लेंगे, तो थोड़े से दानेदार रहेंगे ना, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं आइसक्रीम में। तो एकदम बारीक पेस्ट भी मत करिएगा, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे पीस लिया है। तो देखिए थोड़ा सा दरदरा सा है ये। अभी हम दूध को बीच बीच में मैं चलाते रही थी, और बेटा मेरा आके चलाते रहा था कि चिपके नहीं है, तो ये दूध चिपका नहीं है। और साइड में तो थोड़ा बहुत लगता ही है इसमें कढ़ाई में। अभी जो हमने ये ड्राई फ्रूट का ये पीस के रखा था वो इसमें मैंने डाल दिया है, और जो जार में साइड में जो चिपका है उसमें थोड़ा सा पानी या दूध डाल के आप इसे इसमें डाल दीजिएगा वापस। और इसे वापस हमें चलाना है, तो इसे गाढ़ा होने तक चलाना है अच्छे से। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं दो टाइप से बना रही हूँ, मतलब एक इसकी बना रही हूँ ब्रेड की, और एक सादी बना रही हूँ। तो अभी मैंने चीनी डाल दिया है आइसक्रीम। आपको कितनी मीठी या कम, जितनी कम ज़्यादा आपको चाहिए उतना आप डालिए। और इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाल दिया है मैंने मिल्क पाउडर। तो इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर डालते ही इसे चलाते जाना है, नहीं तो ये मिल्क पाउडर नीचे चिपकता है कढ़ाई के पेंदे में। और मैं ये चलाते रह रही हूँ फ्रेंड्स, तो देखिए साइड में भी चिपक रहा है ये। अभी मैंने एक दूसरी कढ़ाई ले ली, उसमें थोड़ा सा पानी मैंने उसे गीला कर लिया है पानी से, और आधा ये जो हमारा ये है आइसक्रीम का घोल है इसे आधा मैंने उसमें रख दिया है कढ़ाई में। और ये जो है पहले मैं इसे बना लूंगी, तो मैं इसमें डाल रही हूँ और भी ज़्यादा बाहर जैसी आइसक्रीम बनाने के लिए वनीला का कस्टर्ड पाउडर है ये। तो मैंने तो इसे कंजूसी करके पानी से घोल लिया है, आप दूध से भी घोल सकते हैं। और ये डालने के बाद हमें तुरंत दूध को चलाते रहना है। तो ये मैंने पानी से इसको घोल लिया है और मैं उसमें डाल रही हूँ, और कंटिन्यूसली उसे चलाना है। तो इसका ना एकदम फ्लेवर, आप जैसे मार्केट से लाते हैं ना वनीला आइसक्रीम, वैसा ही इसका टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये मैंने डाल दिया है, और तुरंत का तुरंत इसे मैं चलाने लग जाऊंगी। साइड में जितनी भी मलाई या ये जो चिपक रहा है दूध, वो उसे खोरते जाना है, ताकि और भी दानेदार ये मलाई हमारी आइसक्रीम बने। तो देखिए धीरे धीरे चलाते चलाते एकदम गाढ़ा सा हो गया है। अभी इसे एकदम ठंडा करके ही मैं इसे आइसक्रीम के लिए सेट करूंगी, तो इसे मैं रख दूंगी साइड में। अभी सेम गैस पे मैंने वो जो दूसरा वाला हम निकाल के रखा था दूध का ये घोल, वो मैंने इसमें रख दिया है। अब इसे भी दानेदार और एकदम आइसक्रीम जैसी आइसक्रीम बनाने के लिए इसमें मैं डालूंगी 2 ब्रेड। तो मैंने 2 ब्रेड लिए हैं, उनके कॉर्नर मैंने कट कर दिए हैं, और मिक्सी के जार में ये मैं डाल रही हूँ, और इन्हें पीस लेना है। तो एक बार तो मैं इन्हें ऐसे ही पीस लूंगी, सूखे ही पीस रही हूँ, और फिर दूसरी बार मैं थोड़ा सा दूध डाल के या पानी डाल के आप पीस सकते हैं। तो ये देखिए सूखे हैं, अभी मैं इसमें दूध डाल के पीस के, और फिर मैं ये जो हमने कढ़ाई रखी है ना आइसक्रीम का मिक्सर, उसमें ये सब डाल दूंगी मैं, और इसको चलाऊंगी, और इसे और मार्केट जैसा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बूंद केवड़ा एसेंस। आपको जो भी एसेंस पसंद है वो डाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ब्रेड का आइसक्रीम है तो थोड़ा इसमें एसेंस, आप कोई भी एसेंस आप डालिएगा। इसे साइड में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। और ये जो पहले हमने बनाया था ना वनीला कस्टर्ड पाउडर वाली आइसक्रीम का ये घोल, तो ये मैंने रख दिया। अभी काले में काला दिख ही नहीं रहा है, मैंने काला डब्बा ले लिया है, एक प्लास्टिक का एकदम नरम वाला डब्बा लिया है मैंने, ताकि आइसक्रीम निकालते टाइम आसानी से निकल जाए। और उसके नीचे मैंने बादाम कतरन डाल दी थी, ऊपर भी मैंने बादाम किए डाल दिए फ्रेंड्स। बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
अब एल्यूमिनियम पेपर से मैं कवर करके और थोड़े से इसमें चारों तरफ होल करके ये जो स्टिक रहती है ना आइसक्रीम स्टिक, वो मैंने लगा दी। दूसरा भी मैंने काला डब्बा ही लिया है, उसमें भी मैंने बादाम की कतरन डाल दी और दूसरा वाला घोल भी उसमें डाल दिया है। इसमें मैंने बादाम और पिस्ता का कतरन डाला है ऊपर। इसे भी फॉइल पेपर से रख के सेम वैसा ही प्रोसीजर करेंगे। और ये मैंने ओवरनाइट रख दिया था, अभी सुबह मैंने इसे कट किया, तो फ्रेंड्स ये आइसक्रीम बहुत गजब की लग रही थी, बहुत दानेदार, बहुत टेस्टी बनी थी। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, सच बोलती हूँ कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने ये ब्रेड की आइसक्रीम बनाई। तो ये ब्रेड वाली आइसक्रीम है, वनीला वाली भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है वनीला वाली और बहुत बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर से बोल रही हूँ, और ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो कल फिर आती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।